ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। देखो, स्वास्थ्य संबंधी बात फिर करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा है। अपने अपने गुरुओं को सब याद करते हैं, हमने भी किया। तो आज के दिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि आप जैसे हैं, आप वैसे ही अगर बने रहें तो आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। ये बिल्कुल पक्का मूल मंत्र है। आडंबर करना, छलावा करना, पीतल को सोना दिखाना, इस तरह के जो आडंबर समाज में या जहाँ भी होते हैं वो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। संत रैदास ने अपने आप को मोची कहकर खुद ने संबोधित किया है। संत रैदास, तो कुल मिलाकर के पहले के लोग जैसे थे वो वैसे ही अपना परिचय देते थे, और अब हो गया आडंबर बहुत ज़्यादा। कहीं क्या कह दिया, कहीं क्या कह दिया, घर में कुछ कह दिया, बाहर कुछ कह दिया, तो ये सब ठीक नहीं। और इसके अलावा 2 रुपए का तो धर्म करते हैं, 100 रुपए का किसी गरीब का नुकसान करते हैं। ये आडंबर, इस तरह के आडंबर से दूर रहना चाहिए। और हम आपको एक भजन सुनाते हैं। इस तरह के भजन आजकल आपको सुनने को नहीं मिलते, और मिलते हैं तो आप समझ नहीं पाते। भजन का तात्पर्य ये है कि फालतू का दिखावा मत करो। ये भजन हाड़ोती और राजस्थानी इन सब का मिश्रण है, तो सुनिए आप कि आज क्या हो रहा है। अरे दुनिया दुनिया उल्टी रे चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे। भजन में कहते हैं कि दुनिया उल्टी रीत चलती है, समझ में नहीं बैठता। दुनिया उल्टी रीत चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे। तो ये उल्टी रीत चलाते हैं। अरे अर्थ समझ नहीं आवे भाई, ये अर्थ समझ नहीं आवे भाई, अर्थ समझ नहीं आवे। दुनिया उल्टी रे चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे। अरे गारा की गण गौर बनाई, जिने पूज बाजाव। गारा की गण गौर बनाई, जिने पूज बाजाव। अरे वा तो मूर्ति मुख से न बोले, वा तो मूर्ति मुख से न बोले,
बिन समदरिये तरियाई दुनिया उल्टी चलावे जारो अर्थ समझ नहीं आवे। कैसा है संसार का नियम, गारेरी गनगोर बनाई। घरा का मतलब मिट्टी से प्रतिमा बनाते हैं और वो तो मुख से कुछ बोल नहीं सकती भी मेरे को तकलीफ होगी या हो रही है। बिन समदरिये जाता रे आई, तो इतने बढ़िया प्रतिमाओं को बना करके और उनको आखिर में जाके समुद्र में या तालाब में डुबो के आ जाते हैं। ये संसार का जो अर्थ है, अरे दुनिया तीर चलावे जारो अर्थ समझ नहीं आवे। अरे पत्थर रो एक नाग बनायो जिने पूज बाजाओ। पत्थर रो एक नाग बनायो जिने पूज बाजावे। ऐसे पत्थर होते हैं उन पे नाग की आकृति, लोग पूजते हैं। पत्थर रो एक नाग बनायो जिने पूज बाजावे। अरे सा चकलो नाग गरा में आवे। सा चकलो नाग गरा में आवे उन ले लाठी धमकावे। दुनिया उल्टी चलावे जारो अर्थ समझ नहीं आवे। अब पत्थर के ऊपर जो नाग की आकृति है उसे तो सब पूजने के लिए जाती है, और घर में अगर असली नाग आ जाए तो सारे लट लेकर के। ये संसार का दुनिया उल्टी रे चलावे जारो अर्थ समझ नहीं आवे। अरे जीवता बाप न रोटी न देव नित उठ राड मचावे। बूढ़े पिता को टाइम पे खाना ही नहीं खिलाते, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, कभी लड़ते हैं कभी झगड़ते हैं। जीवता बाप न रोटी न देव नित उठ राड मचावे। अरे मर्या बाद में मूछ मंडावे। मर्या बाद में मूछ मंडावे नो मन खांड गलावे। दुनिया उल्टी चलावे जारो अर्थ समझ नहीं आवे। ये अर्थ समझ नहीं आवे जारो हे अर्थ समझ नहीं आवे जारो। अरे दुनिया उल्टी चलावे यारो अर्थ समझ नहीं आवे। तमाम उम्र तो पिता से झगड़ते रहे, कभी पूरी उनकी बात ही नहीं सुनी, उनकी कभी सुध नहीं ली। और जब उनका शरीर शांत हो गया, अब चार पांच बेटे हैं तो गांव में नाक तो ऊंची रहनी चाहिए ना। जीवता बाप न रोटी न देवे नित उठे राड मचावे। मर्या बाद में मूछ मंडावे। जैसे ही मरता है पिता, नाई आ जाता है, सब साफ कर देता है इधर का इधर का। ऐसे लोगों को पता कैसे लगेगा भी इसका पिता का स्वर्गवास हो गया। मर्या बाद में मूछ मंडावे नो मने खांड गलावे। दुनिया
उसके बाद बारहवें के दिन नौमण खांड, खांड का मतलब चीनी, तो खूब है जो नौमण चीनी गलती है और उसके लड्डू बनते हैं, क्या क्या माल बनते हैं, पूरे गांव को भोजन कराता है। तो ये उल्टी रीत समझ में नहीं आई कि जो बाप जिंदा था जब तो उसकी शुद्धि नहीं ली और मरने के बाद में लाखों रुपए खर्च कर दिए। अरे दुनिया उल्टी रीत चलावे, ग्यारो अर्थ समझ नहीं आवे। आपका जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अब जो कड़ी है वो बड़ी ज़बरदस्त है आज के वक्त के हिसाब से। एक बात और बोल देता हूँ इस कड़ी को बोलने के पहले, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। ये चांद खिला ये तारे हंसे, तो मैं अब दुनिया उल्टी रीत चलावे, अर्थ समझ नहीं आवे। दुनिया उल्टी रीत चलावे, जरू अर्थ समझ नहीं आवे। अरे बेरू जिसे बेटो मांगियो एक बकरे कताई, बेरू जिसे बेटो मांगियो एक बकरे कताई। अरे आपरे पुत्र ने गोद खिलावे, आपरे पुत्र ने गोद खिलावे, कंठ पर आया काटे, दुनिया उल्टी रीत चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे। ए जारो अर्थ समझ नहीं आवे भाई, हे हे दोस्तों, हकीकत के अंदर ही ऐसा होता है। आपको हमने ये लोक भजन है ये सुनाया है और इसके एक एक शब्द है बहुत बहुमूल्य हैं, और जिसके अंदर अंतिम जो इसका लाइन है उसमें सारा संसार का रहस्य हमारे बुजुर्ग लोग इस भजन में डाल गए हैं। इस तरह के लोकगीतों को किसने लिखा, किसने इनको स्वरबद्ध किया, किसने क्या किया, तो अभी फिल्मी गाने को तो सैकड़ों बार सुनते हैं, सुनिया और गा लिया, सुना गा लिया, भागवत भी सुनी और कुछ बोल दी, रामायण भी सुनी चौपाई बोल दी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका कोई मतलब ही नहीं। और अपने नित्य जिंदगी के अंदर ऐसा होता है, आपके 200 रुपए गुम जाएं और आपको मालूम नहीं पड़ी तो आपको कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन अगर बाज़ार में 10 रुपए ठगा के आ जाएं तो वो बात दिमाग से जाती नहीं। ये मानव प्रकृति है। देखो सबके प्राण प्रिय होते हैं। अंतिम पैराग्राफ में मैंने बताया, अरे बेरू जिसे बेटो मांगे एक बकरे के ताई, आपरे पुत्र ने गोद खिलावे,
कंठ पराया काटे दुनिया उल्टी रे चलावे। तो एक बनिया था, अब बनिया तो बनिया ही होता है, मैं बनिया हूँ, अब उसके औलाद नहीं हो रही थी। तो उसको मुनीम जी ने कहा कि ये पास में भैरू जी का स्थान है, तो तुम वहाँ जाके सेठ जी कुछ बोलारी कर आओ तो आपके बाल गोपाल हो, तुम साथ चलो साथ। वो पेड़ के पास इतना बड़ा एक शिला लेख के ऊपर भैरू जी की प्रतिमा, तो खूब तेल चढ़ाया, सिंदूर चढ़ाया, अगरबत्तियाँ करी और करी। फिर हाथ जोड़ के सेठ ने कहा कि है महाराज, अगर 9 महीने मेरे घर पे बच्चा खेले तो मैं आपको सबसे तकड़ा भैंसा चढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा। और वक्त बीता, 9 महीने उसके घर पे बाल गोपाल हो गया। तो मुनीम जी ने कहा कि आपके बालक हो गया, बहुत खुशी है। करे मुनीम जी, तकड़े से तकड़ा भैंसा लेके आओ, पैसे की चिंता मत करो, 10 असर भी 20 असर भी 1000 असर भी 10000, मेरे बच्चे के सामने कोई चीज है क्या, लाओ। खरीदारों को ऐसा माल मिल भी जाता है, पास में पैसा नहीं हो तो क्या करे आदमी। तो खूब कीमत देखे एक खूब तकड़ा पाड़ा का भैंसा, जब मोटा हो जाता है उसको फिर पाड़ा करते हैं। ले आए 3 रस्सों से बांधे हुए, इतना वो मोटा ताजा था। तो सेठ जी ऋषिठाणी ने और मुनीम जी ने मिल करके उन रस्सियों को भैरू जी के पेड़ के चारों तरफ और उनकी मूर्ति के चारों तरफ बांध दिया कि महाराज ये मैंने अपना वादा पूरा किया, आपको पाड़ा चढ़ा दिया, अब हम चलते हैं फ्रेश होने। और वो सारे चले गए। अब वो सारे चले गए तो अब घंटा 2 घंटा तो वो बेचारा पाड़ा बंधा हुआ था, जो उसने विचार किया प्यास लग रही है, भूखे मर रहे हैं, यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है, फंस गए कहीं। तो अब प्यासा आदमी या कोई जानवर कैसे रह सकता, तो उसने लगाया जोर, ताकत उबर तो था ही, 3 रस्से बंधे थे, शेष कोई कमजोर रस्ती नहीं थी, हाँ बड़ा मजबूत बांध के गया, कोई खोल न ले। लगाया जोर तो पत्थर सहित और पेड़ सहित पाड़ा आगे जाए, पीछे पीछे वो घिसते हुए जाए। कौन? भैरू जी महाराज, लोक देवता, उनके पत्थर और वो पेड़ दोनों घिसते। तो उधर से माताजी आ रही थी, अपने देसी भाषा के अंदर माताजी का ये अर्थ आप नहीं लगाएंगे कि वैष्णो देवी आई या लक्ष्मी माता आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक देहाती लोकगीत की वो आपको समझाता हूँ, इसलिए कोई मुझके ऊपर कोई टीका टिप्पणी न करे। मैं एक हनुमान भक्त और सीधा आदमी हूँ, और जो चीज़ सत्य है सत्य को सत्य ही कहूँगा। कभी मैं कोई किसी का दिल आहत हो ऐसी बात मैं नहीं करूँगा, ये आपसे मेरा वादा। तो उधर से माताजी आ रही, अब माताजी के अंदर कोई भी देवता की माता वो हो सकती है। तो माताजी और भैरू जी प्राय ये जो लोक देवता हैं इनके स्थान मूर्तियाँ पास पास ही रखते हैं कि भाई मैं माताजी भी ढोक आया और भैरू जी भी ढोक आया।
ये अपने जीवन के अंदर सभी परिवारों में ये है, बड़े शहरों का मैं नहीं कहता। तो वो माता जी आ रही, उन्होंने ये देखा कि भैरू जी लथपथ हो रहे हैं और घिसे जा रहे हैं, तो कि भैरू तेरा ये हाल किसने किया? माता जी ने कहा, कह रहे भैरू तेरा ये हाल किसने किया? तू तो कहता था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बेटा दे दूँ, वो दे दूँ, वो दे दूँ, अभी तू घिसता हुआ जा रहा है। कहते माता जी, अपने मड में ही मटके किए हैं आपने, कभी बनिए को बेटा दे के देखो, तब पता लग जाएगा।